धमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। Now we are going to discuss about relation between India and China through Maths Miracle Info Segment. भारत ने चीन को बहुत बड़ी चेतावनी दी है और चेतावनी भी ऐसी दी है जो चीन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कुछ लोग अभी भी यह भ्रम में हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर तो सैन्य कार्रवाई कर सकता है पर चीन के ऊपर कभी नहीं। अभी भी कई लोगों का यही मानना है कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया है वैसी कार्रवाई भारत चीन के साथ नहीं कर सकता है, बल्कि चीन पहले कार्रवाई करेगा और भारत सिर्फ बचाव की मुद्रा में चीन का प्रतिकार करता रहेगा। लेकिन सीडीएस बिपिन रावत ने सारे भ्रम मिटा दिए हैं और करारा जवाब दे दिया है। श्री रावत ने कहा है कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो भारत के पास चीन के ऊपर सैन्य कार्रवाई करने का तीसरा विकल्प मौजूद है। रावत ने मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के अतिक्रमण से निपटने के लिए अगर सेनाओं के बीच हो रही बातचीत नाकाम रही तथा राजनीतिक विकल्प भी नाकाम रहे तो भारत के पास सैन्य कार्रवाई करने का तीसरा विकल्प खुला है। जैसे ही यह खबर भारतीय मीडिया के द्वारा चीनी मीडिया तक पहुंची तो चीनी मीडिया ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि चीन कोई म्यांमार नहीं है जहां पर भारतीय सेना आसानी से घुसकर कार्रवाई करके वापस चली जाएगी। हाल ही में चीनी मीडिया पाकिस्तान का भी उदाहरण दे सकती थी लेकिन पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को देखते हुए ऐसा नहीं किया। 2015 में भारतीय सेना द्वारा म्यांमार के अंदर घुसकर कार्रवाई होने का जिक्र करते हुए म्यांमार का ही एग्जाम्पल देना बेहतर समझा। लेकिन इसी के साथ चीनी मीडिया ने भारत को रूस के साथ चीन के बढ़ते व्यापारिक संबंधों को ध्वस्त दिखाने की भी कोशिश की। चीनी मीडिया ने कहा है कि भारत चीन के ऊपर सैन्य कार्रवाई करने का जो सपना देख रहा है लेकिन रूस ने चीन को अपनी 5G टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए खुली छूट दे दी है, जिससे यह पूरा साबित होता है कि चीन एशिया में अकेला नहीं है। दोस्तों, चीनी मीडिया ने यहाँ यह भी दिखाने की कोशिश की है कि अगर चीन और भारत में युद्ध होता है तो रूस का समर्थन भारत को नहीं बल्कि चीन को मिलेगा। लेकिन आपको यह स्पष्ट यहाँ बताता चलूं कि रूस का अपना ऐसा मानना है कि वह चीन और भारत के युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा, तटस्थता की भूमिका निभाएगा, क्योंकि उसके लिए रूस और भारत दोनों बहुत जरूरी है।